वहीं हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर चौहान ने मौजूदा विधायक आदेश चौहान पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने पिछले 10 सालों में कोई विकास काम नहीं किए हैं। आदेश चौहान की विकास विरोधी नीतियों के कारण रानीपुर की जनता त्रस्त हो रही है और यहाँ की जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। राजवीर चौहान ने डोर टू डोर जाकर जनता से अपने लिए वोट की अपील भी उन्होंने की और उन्होंने अपनी विधानसभा के बहादुरबाद, शिवालिका नगर और नवोदय नगर समेत कई क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। राजवीर चौहान ने कहा कि रानीपुर की जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है और इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने का उन्होंने दावा भी किया। वहीं रानीपुर विधानसभा से जीत हासिल कर वो सरकार बनने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। राजवीर चौहान के चुनावी मैदान में आने से उनके समर्थकों और कांग्रेस नेताओं में भारी उत्साह है। जहां भी प्रचार के लिए राजवीर चौहान जा रहे हैं, समर्थकों की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। जनता जबरदस्त उत्साहित है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि इस चुनाव में वो एक ऐसी पार्टी से, ऐसे जनप्रतिनिधि से छुटकारा पाना चाह रही है जो पूरी तरह से उनकी भावनाओं पर, उनकी सोच पर फेल हो चुकी है। और जिस तरह से उन्होंने क्षेत्र के विकास की अनदेखी की है, कहीं विकास नाम की चीज नहीं। जिस कॉलोनी में आज हम घूम रहे हैं, ये नवोदय नगर है, इस नवोदय नगर में आज तक ना तो सड़कों की व्यवस्था ठीक है, ना नाली की व्यवस्था ठीक है, ना पानी की निकासी है और ना ही कहीं सीवर। देखो इस समय तो वोट मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, जनता पूरा समर्थन दे रही है। 10 साल के विधायक ने जिस तरह से क्षेत्र की जनता को विकास से वंचित रखा है, ये उसका ही परिणाम है कि आज जनता हमारा इंतजार कर रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे को वोट पड़ेंगे। निश्चित रूप से जो 10 साल में विधायक ने इतना अछूता रखा है, इसको विधानसभा को पिछड़ा कर पट पे ले आया है, नगर पालिका के माध्यम से कांग्रेस के सारी टीम इसी काम के लिए लगी।